हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, उसका पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल आज पिवट पॉइंट 3200, रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस 3254, सेकंड रेजिस्टेंस 3328, थर्ड रेजिस्टेंस 3382 एंड फर्स्ट सपोर्ट 3126, सेकंड सपोर्ट 3072, थर्ड सपोर्ट 2998। तो आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल तो डेली चार्ट में देख सकते हैं क्रूड ऑयल कंटिन्यूअस नीचे ही आ रहा है, तो इसका मतलब है स्टिल अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो क्रूड ऑयल डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है। तो यहाँ से आप अगर 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट छोटा टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड प्लेस हुआ है। तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल एक हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, तो मुझे लगता है और ये ऊपर जाने का चांसेस है। जो ये एक थोड़ा रिट्रेसमेंट किया हुआ है और अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में ही चल रहा है और यहाँ पे और एक कंफर्मेशन दिया हुआ है, 50 मूविंग एवरेज ने 150 को क्रॉस किया हुआ है, तो मतलब उसका अप ट्रेंड अभी भी चालू है। तो मुझे लगता है ये ऊपर तक जा सकता है। अगर आप एंटी लिया तो उसका नीचे में एस एल लगा सकता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना के 1:2 में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेंगे तो हम कहाँ एग्जिट कर सकते हैं, उसके लिए अगर आपने फिबोनाची यूज़ करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 50% रिट्रेसमेंट किया, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 50% रिट्रेसमेंट किया, ये 50% रिट्रेसमेंट हुआ, तो उसका बाद ये टारगेट 123 तक टारगेट है, जैसे 3399 में तो इसका टारगेट है, तो वहाँ के लिए आप बाय कर सकता है। और यहाँ पे अगर आपको 123 और 138 तक जा सकता है तो यहाँ से आपको सेल स्टॉप कर बाय स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डेली में ये डाउन ट्रेंड में ले रहा है और डेली में देखेंगे तो आप डेली थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, ऐसा जो 20 मूविंग एवरेज भी साथ में ये 138 में मूविंग 20 मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से मार्केट फिर से स्टॉप नीचे आने का चांसेस है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।